अब तुम बीजीएमआई खेलो या फिर पबजी मोबाइल, कभी ना कभी तुम लोगों ने जॉयस्टिक वाली प्रॉब्लम को जरूर फेस किया या फिर तुम लोगों को आ रही होगी। बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं पता होता कि उनकी जॉयस्टिक की प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए और कौन सा लेआउट यूज करना चाहिए, जिससे उनकी मूवमेंट फास्ट रहे, जिगल सही रहे और उनका एम भी एक्यूरेट रहे। जॉयस्टिक तुम्हारे गेम प्ले को सुधारने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है और तुम्हारी मूवमेंट में भी सबसे ज्यादा हेल्प करती है, तो वो होती है जॉयस्टिक। एक सही जॉयस्टिक ना होना तुम्हारे गेम प्ले को बेकार कर सकता है। तो हे गाइस, आज हम उसी टॉपिक पे पूरी डिटेल में बात करने वाले, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जॉयस्टिक प्लेसमेंट की। देखो, अपने पास तीन कंट्रोल लेआउट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मोस्टली प्लेयर फर्स्ट और थर्ड पे खेलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कंट्रोल लेआउट की। तो फर्स्ट कंट्रोल लेआउट के अंदर लेफ्ट साइड का हिस्सा जो होता है वो पूरा मोमेंट के लिए होता है, राइट साइड होता है वो पूरा एम के लिए होता है। यानी कि तुम लेफ्ट साइड के अंदर जॉयस्टिक को कहीं पे भी रख दोगे, तुम्हारी मोमेंट स्पीड यहाँ पे अटकने वाली नहीं है। जॉयस्टिक को तुम अगर ऊपर भी रख देते हो फिर भी तुम्हारी मोमेंट वैसी ही रहेगी, मतलब तुम्हारी पूरी तरह से जॉयस्टिक काम करने वाली। और इस कंट्रोल के अंदर तुम चाहो तो अपनी जॉयस्टिक को राइट साइड में भी ले जा सकते हो। जैसे तुम जॉयस्टिक को अपनी राइट साइड में करते हो तो तुम्हारा पूरा राइट होता है वो मूव के लिए हो जाता है और लेफ्ट जो होता है वो पूरा एम के लिए होता है। कुल मिलाकर तुम्हारे फर्स्ट कंट्रोल लेआउट के अंदर तुम अपनी जॉयस्टिक की प्लेसमेंट कहीं पे भी रखो वो मैटर करती नहीं है। तुम अपनी जॉयस्टिक को ऊपर रख दो फिर भी तुम्हारी जॉयस्टिक काम करने वाली है। अब बात करते हैं हम थर्ड कंट्रोल लेआउट की। थर्ड कंट्रोल लेआउट के अंदर जो तुम्हारे स्क्रीन होती है वो पूरी स्क्रीन एम के लिए होती है और जितने पार्ट में तुम्हारी जॉयस्टिक होती है उतना पार्ट ही तुम्हारा मूव के लिए होता है, यानी कि मोमेंट के लिए होता है। अगर तुम अपना थोड़ा सा भी हाथ जॉयस्टिक से अलग रखते हो तो वहाँ पे बंदा मूव तो नहीं करेगा बल्कि तुम्हारा एम वहाँ पे खराब होने वाला है। सो गाइस, अगर तुम थर्ड कंट्रोल लेआउट में खेल रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारे जॉयस्टिक की प्लेसमेंट सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हाथ टच किया जॉयस्टिक से तो तुम्हारा एम वहाँ पे खराब हो जाएगा और तुम गंदे तरीके से पिटने वाले हो। अब तुमको चाहिए जॉयस्टिक की सही प्लेसमेंट, उसको कैसे ढूंढोगे? देखो, जॉयस्टिक की सही प्लेसमेंट ढूंढने के लिए ना तुमको क्या करना है, अपना फोन या फिर आईपैड लेना है और तुम देखना है कि जब तुम गेम खेल रहे हो तो नेचुरली तुम्हारा जो थंब है वो कहाँ पे स्क्रीन पे टच कर रहा है। जहाँ पे वो स्क्रीन पे टच कर रहा है तुमको अपना जॉयस्टिक वहीं पे ही सेट कर देना है, तुम्हारा जॉयस्टिक परफेक्ट वहीं रहने वाला है। तो अब बात आती है, क्या जॉयस्टिक साइज मैटर करता है? अगर तुम लोग फर्स्ट कंट्रोल लेआउट पे खेल रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारा जॉयस्टिक साइज कितना भी हो कोई मैटर नहीं करता है। अगर तुम थर्ड कंट्रोल लेआउट पे खेल रहे हो तो वहाँ पे तुमको अपना जॉयस्टिक साइज है वो बड़ा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइट के टाइम में तुम लोगों ने अगर अपनी जॉयस्टिक से थोड़ा सा भी थंब इधर या उधर रख दिया तो तुम्हारा वहाँ पे एम खराब हो जाएगा और तुम वहाँ पे मारे जा सकते हो। तो इसलिए तुम लोग अपना जॉयस्टिक का साइज है वो बड़ा रखे। मैं कहूंगा तो तुम 90 से लेके 100 तक तुम अपना जॉयस्टिक का साइज रखो, वो सबसे बेस्ट रहता है। और जॉयस्टिक को वहीं पे रखो जहाँ पे तुम्हारा थंब स्क्रीन पे नेचुरली टच कर रहा है। खैर, ये तो बात थी थर्ड और फर्स्ट कंट्रोल लेआउट के साइज की बात। अगर तुम लोग वैसे देखो तो जॉयस्टिक के साइज से कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता, पर मैं तुम लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि छोटी जॉयस्टिक और बड़ी जॉयस्टिक में एक्चुअली में क्या होता है जिससे कॉम्पिटेटिव प्लेयर ज्यादा अपनी जॉयस्टिक को बड़ा रखते हैं। देखो, कुछ प्लेयर जो होते हैं वो फर्स्ट कंट्रोल लेआउट पे खेलते हैं तो वहाँ पे वो अपनी जॉयस्टिक को कहीं भी रख देते हैं, कुछ भी साइज रखते हैं, तो उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों ने देखा होगा कि जोनाथन स्काउट मोटल ये फर्स्ट कंट्रोल लेआउट पे खेलते हैं और जोनाथन की भी जॉयस्टिक साइज बहुत छोटा रहता है। जो प्लेयर थर्ड कंट्रोल लेआउट पे खेलता है वो अपनी जॉयस्टिक को थोड़ा बड़ा रखता है ताकि उसका जो थंब होता है वो जॉयस्टिक से बाहर ना लगे और उनका जो एम है वो खराब ना हो। तो अब हम बात करते हैं कि छोटी जॉयस्टिक से तुम्हारी मूवमेंट स्पीड ज्यादा होती है या फिर बड़ी जॉयस्टिक से तुम्हारा जो जिगजैग मूवमेंट होता है वो सही होता है, या फिर तुम्हारी जो एक्यूरेसी होती है, जो तुम्हारा एम होता है वो बड़ी जॉयस्टिक पे परफेक्ट रहता है। तो इन सब के बारे में बात करने से पहले तुमको एक क्लिप देखनी चाहिए। FRL रिपर भाई, क्या बोल रहे हो, क्या होता है बिग जॉयस्टिक से? भाई देखो, मैं बता रहा हूँ, ये बिग जॉयस्टिक है, ये दिख रहा है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, मैं कितना भी तेजी से करूंगा ना तो ज्यादा मूवमेंट। और छोटे जॉयस्टिक पे अगर देखो मैं रखा तो कितना है, 175 है ना इसको, देखो अगर ये छोटा किया, ये देखो ये कितना, एक ही जगह अगर तेजी से करो तो एक ही जगह ये हिल ही नहीं रहा है। बेसिकली ये मेरा मूवमेंट होता है जब मैं बड़े जॉयस्टिक पे करता हूँ, और अगर तेजी से मतलब ऐसा तेजी से रखता हूँ तो ये देखो, ये छोटा जॉयस्टिक है और ये हो गया मेरा नॉर्मल जॉयस्टिक, ये देखो मूवमेंट देख रहे हो, ये ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू वो छोटे वाले से, मतलब मेरे लिए, वो सिर्फ मेरे लिए। आप लोग
आप लोगों को कैसा रखना है वो आप लोग पे डिपेंड करता है ना, मैं कैसा ये करता हूँ, जिगल करता हूँ, उस हिसाब से मेरे को वैसा जमता है। फिर भी तुम लोगों को छोटी और बड़ी जॉयस्टिक में एक अंतर बताता हूँ जो लगभग तुम लोगों को कोई नहीं बताएगा, हर कोई तुमको यही बोलेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, छोटी जॉयस्टिक का मतलब छोटा एरिया, और जब तुम छोटे एरिए पे अपना थंब रखे यानी कि जॉयस्टिक पे थंब रखे जब जिगल देते हो, मोस्टली प्लेयर क्या करते हैं, क्लोज रेंज हो या फिर मिड रेंज, वो फास्ट फास्ट जिगल करते हैं। तो फास्ट जिगल जब तुम छोटी जॉयस्टिक पे करोगे तो वहां पे तुम्हारा जो एम रहता है ना वो स्टेबल नहीं रहेगा, और जिगल भी है छोटी जॉयस्टिक होने के कारण वो परफेक्ट नहीं होगा। बंदा बहुत जल्दी लेफ्ट राइट मूव करेगा, तो उसके कारण जो तुम्हारे एम के अंदर स्टेबिलिटी होगी वो थोड़ी कहीं ना कहीं लूज होने वाली है। लेकिन यहीं पे तुम अगर बड़ी जॉयस्टिक रखते हो और उस पे तुम जब जिगल करते हो तो उसके अंदर तुम्हारा जिगल परफेक्ट रहता है, क्योंकि जॉयस्टिक का साइज बड़ा रहता है और वहाँ पे जो तुम्हारी जॉयस्टिक होती है वो फास्ट मूव नहीं करती और वो एकदम से सीधा लेफ्ट राइट होती है, तो उससे तुम्हारा जिगल परफेक्ट रहता है और उससे एम में भी स्टेबिलिटी आती है। तो कुल मिला के यही सब था, अपने जॉयस्टिक का साइज तुम अपने हिसाब से रखो। मैं तो कहूंगा तुम 70 से लेके 80 या 90 के बीच में रखो, वो अच्छा रहता है। अगर तुम्हारी जॉयस्टिक स्टक हो जाती है, तुम्हारी मोमेंट स्टक हो जाती है चलते चलते, तो अपनी जॉयस्टिक तुम बिल्कुल नीचे कर दो, भले तुम फर्स्ट कंट्रोल लेआउट में खेलो या फिर थर्ड में खेलो, उसको बिल्कुल जो स्क्रीन के एंड होता है वहां पे तुम उसको एकदम से चिपका दो स्क्रीन के, और जो तुम्हारी सिम्प्रिंट सेंसी रहती है उसको तुम हाई पे रखो। बाकी कुछ लोगों की गेम में चलते चलते मोमेंट स्टक हो जाती है, वो खिड़की दरवाजे या कहीं से भी कूद रहे जंप कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है कि बंदा चलते चलते एकदम से स्टक हो जाता है। तो ऐसे में भाई तुम आते ही गेम खोलते ही क्लासिक में मत घुसो, थोड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ, टीडीएम वगैरह वगैरह खेलो, देखो कि कहीं तुम्हारा फोन का जो स्क्रीन गार्ड है, जो टेम्पल है, वो खुरदरा तो नहीं हो गया है। अगर खुरदरा हो गया तो तुम उसको चेंज कर दो या फिर निकाल दो उसको। अगर तुम्हारा अंगूठा स्क्रीन पे चिप कर आया तो वहाँ पे तुम पाउडर या फिर तेल का यूज़ करो, या फिर तुम अपना फिंगर स्लीव भी ले सकते हो, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो स्क्रीन पे जो तुम्हारा थंब होगा वो चिपकेगा नहीं और फास्ट फास्ट एकदम से तुम जिगल दे पाओगे। तो यही सब था। बाकी तुमको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।